नमस्कार, शाहीन बाग। इन दिनों पूरे देश में शाहीन बाग आंदोलन की चर्चाएं जोरों पर है, जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए विवादित नागरिकता कानून के खिलाफ महिलाएं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। शाहीन बाग के इस आंदोलन में एक 90 साल की दादी अम्मा की चर्चा भी काफी तेज है, जिनका नाम है आसमा खातून। इस प्रदर्शन में संभवतः वो सबसे बुजुर्ग प्रदर्शनकारी होंगी। आसमा खातून को शायद ही कभी इस बात का एहसास हुआ होगा कि वो एक दिन देश की दबंग दादी के तौर पर चर्चित हो जाएंगी और मीडिया में उनकी चर्चा होगी और सोशल मीडिया में वो सेलिब्रिटी बन जाएंगी। दबंग दादी आसमा खातून के बारे में हम आपको बता दें कि वो बिहार के ही सीतामढ़ी ज़िले की रहने वाली हैं। सीतामढ़ी ज़िले में एक इलाका आता है रायपुर, वो वहीं की मूल निवासी हैं। करीब 8 साल पहले उनके शौहर मौलाना अब्दुल हसन का इंतकाल हो चुका है। उनके मरहूम शौहर की इस इलाके में काफ़ी इज्जत थी, हर धर्म जाति मज़हब के लोग उनको अपना मानते थे। आसमा खातून ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में बताया कि वो बिहार के सीतामढ़ी की रहने वाली हैं। उनके 4 बेटे और 4 बेटियां हैं, इनमें से 2 बेटे दिल्ली में रहते हैं। थोड़े दिन पहले ही उनके बेटे को बेटी यानी कि उनकी पोती का जन्म हुआ, जिसे देखने के लिए वो दिल्ली आई थी। इसी बीच CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शन को देखते ही आसमा खातून प्रभावित हो गई और वो फिर इस धरने का हिस्सा बन गई। दबंग दादी 24 घंटे इसी शाहीन बाग के धरने में अपना वक्त गुजारती हैं। CAA के बारे में पूछे जाने पर आसमा खातून ने बताया कि मेरी उम्र तो ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरी आने वाली नस्लों को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े, इसलिए मैं मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़क पर हूँ। दबंग दादी चेतावनी भरे अंदाज में कहती हैं कि सरकार को हर कीमत पर धर्म के आधार पर बनाए गए इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि आंदोलन शुरू होने के बाद फरवरी के पहले हफ्ते में आसमा खातून की पोती की शादी बिहार में थी, जिसमें उनका जाना बेहद ज़रूरी था। वो शाहीन बाग का आंदोलन छोड़कर बिहार गई और बिहार में भी वो जितने दिन रही वो शाहीन बाग की तर्ज पर चल रहे आंदोलनों में सक्रिय रही। पोती की शादी की वजह से उन्हें 6 दिन बिहार में गुजारने पड़े और वहाँ से वापस आकर वो फिर से शाहीन बाग में डट चुकी हैं। दबंग दादी आसमा खातून का कहना है कि शाहीन बाग में उन्हें 24 घंटे रहने में कोई परेशानी नहीं होती, बढ़ती उम्र का भी यहाँ कोई मामला नहीं होता। यहाँ के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उन्हें कभी किसी किस्म की परेशानी होने का एहसास नहीं होने देते हैं। धन्यवाद।